कार फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। देखिए, आज हम किंगडम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और बॉडी कैविटी और सीलोम और फाइलम, इनके बेसिस पर हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बताने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी में आपका फिगर दिया गया। और ये जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। तो देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमलिया किंगडम में होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। तो देखिए, जब हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेलुलर लेवल्स जो होता है वो पॉलीफेरा, यानी जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस में होता है? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है पॉलीफेरा में। ठीक है, यानी कि इसके बाद टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे ये सभी एनिमल्स। तो फिर देखिए, अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो जब टिश्यू लेवल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, तो उसमें कोई ना कोई सिमेट्री भी होगी। तो देखिए, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए, रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे एनिमल्स? ई सी स्क्वायर से याद कर लेंगे, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, सॉरी इकाइनोडर्मेटा, सीलेंटेटा और टीनोफोरा। ठीक है, यानी इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा और आपके सीलेंटेटा, इनमें कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए, जो इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री होती है, और बायलेटरल कब होती है? जब वो लार्वा स्टेज में होता है। फिर हम बॉडी कैविटी और सीलोम के बेसिस पर करते हैं, तो जो ए सीलोमेट्स होते हैं वो प्लेटी हेलमिंथीज हैं, सीडो सीलोमेट्स हैं वो एस के हेलमिंथीज हैं, और ट्रू सीलोम जो होती है वो सीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, उनको हमें ट्रिक के माध्यम से आम इच को ऐसे याद कर लेंगे। कैसे? देखिए, आम इच को, यानी कि एनिलेडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये सीलोमेट्स एनिमल्स हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करेंगे। तो देखिए, ये लर्निंग ट्रिक है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा, आम इच को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।